लोगों की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। मनसे नेताओं द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाया जाए। राज ठाकरे को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। धमकी भरे पत्र फोन आ रहे थे। राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज ठाकरे के पास पहले वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा थी, अभी भी वाई प्लस श्रेणी की ही सुरक्षा है, लेकिन पुलिस बल जो राज ठाकरे के साथ रहते थे उसमें बढ़ोतरी की गई है। राज ठाकरे के साथ एक पुलिस अधिकारी और एक हवलदार और मौजूद रहेंगे, हर वक्त उनकी सुरक्षा के लिए 2400 घंटे उनके साथ रहेंगे। मनसे नेताओं द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। बिजभूषण सिंह, भाजपा के सांसद बिजभूषण सिंह भी लगातार राज ठाकरे को कई तरीके की धमकी दे रहे थे। और अभी हाल ही की अगर बात की जाए तो राज ठाकरे को जिस तरीके से बाला नांदगांवकर ने बताया था, तो राज ठाकरे को उर्दू में जान से मारने की धमकी उर्दू में पत्र लिख कर दी गई थी। तो काफी मनसैनिक जो थे चिंतित थे, और मनसैनिकों द्वारा लगातार ये भी कहा जा रहा था कि अगर राज ठाकरे को कुछ भी हुआ, अगर राज ठाकरे को कुछ भी हुआ तो पूरा महाराष्ट्र जलेगा। और साथ ही राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों द्वारा भी आश्वासन दिया जा रहा था कि राज ठाकरे के बाल को भी एक आंच नहीं आएगी। मेयर किशोरी पेडणेकर ने भी कहा था, संजय राउत ने भी कहा था, कल अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। मन सैनिक लगातार कल बाला नांदगांवकर ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उससे मुलाकात भी की थी। अगर देखा जाए तो तमाम तरीके की धमकियां मिलने के बाद आखिरकार राज ठाकरे की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। राज ठाकरे की सुरक्षा में एक पुलिस अधिकारी और एक हवलदार की तैनाती को बढ़ाया गया है। मनसे नेताओं की द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि राज ठाकरे की सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाए, राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो राज ठाकरे की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए आने वाले 5 जून को राज ठाकरे का अयोध्या दौरा भी है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का लगातार विरोध भी किया जा रहा है। राज ठाकरे के खिलाफ, राज ठाकरे के विरोध में कई तरीके की बयानबाजी भी की जा रही है। जब से उन्होंने मस्जिदों के लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है तब से कई तरीके की धमकी भरे फोन और तरह तरह की चेतावनियां राज ठाकरे को दी जा रही है, जिसको लेकर मन सैनिकों ने मांग की थी कि राज ठाकरे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो राज ठाकरे को मन सैनिकों की मांग को देखते हुए और इस विषय की गंभीरता को समझते हुए राज ठाकरे की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, राज ठाकरे के पास पहले वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा थी। वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा अभी भी राज ठाकरे के पास है, हालांकि उसमें एक पुलिस अधिकारी और एक हवलदार की तैनाती बढ़ाई गई है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।